अगर आपने नात खानों की तसल्लियों से ये नतीजा खस कर लिया है कि जो मर्जी करते चले जाओ हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, मैदान माशर में पहुंचेंगे फरिश्ते कहेंगे कौन है भाई, सुन्नी है? जी जी सुन्नी हूँ। बस आ जाओ, जो कुछ किया कोई बात नहीं, तुमने चर्स पी, जिना किया, कुछ भी, सुन्नी है ना, सीधे जन्नत में चला जाओ, जन्नत तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर आप ये समझते हैं कि नात खानी में बैठने के बाद मैं नमाजें कजा करूं, मैं लड़कीबाजी करूं, मैं सेक्स चैट करूं, मैं पोर्न वेबसाइट के विजिट करूं, मैं गंदी हरकतों में मुलव्वस रहूं और सरकार मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देखें, तो ये आपकी खाम ख्याली है। आप लोग पहुंचे हुए थे सातवें आसमान पर, तो बराए मेहरबानी मेरा बयान सुनने के लिए ज़रा ज़मीन पर तशरीफ़ लें। तो हमारे सुन्नियों का ये मामला है, हमारे लड़के चर्स पिएं, मवाली हों, नमाज पढ़े ना पढ़ें, पूरी रात नातियां महफिल में बैठें, फजर का वक्त आए तो घर में चले जाएं, जमात छोड़ दें, नमाज फ़र्ज तर्क कर दें, जमात वाजिब नमाज फ़र्ज वो फिक्र नहीं है, पूरी रात नात खानी में बैठें और यकीन क्या दिलाया जाए, तुम सरकार की मोहब्बत में आए हो, जो सरकार की मोहब्बत में आता है सरकार उसे प्यार से देखते हैं, और जिसे सरकार प्यार से देखें क्या वो जहन्नम में जाएगा? सामने कहते हैं नहीं नहीं, तो बस हमने तुम्हें जन्नत तक पहुंचा दिया। अगर आपने नात खानों की तसल्लियों से ये नतीजा खस कर लिया है कि जो मर्जी करते चले जाओ हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, मैदान माशर में पहुंचेंगे फरिश्ते कहेंगे कौन है भाई, सुन्नी है? जी जी सुन्नी हूँ। बस आ जाओ, जो कुछ किया कोई बात नहीं, तुमने चर्स पी, जिना किया, कुछ भी, सुन्नी है ना, सीधे जन्नत में चला जाओ, जन्नत तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर ये ख्वाब आपको दिखाए गए हैं तो खुदारा मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के इस पॉल पर अमल कर ले। एक जगह बयान चल रहा था, प्रोग्राम था, मुफ्ती साहब भी थे, मैं बैठा हुआ था, नात खान वो पहुंचा रहा था लोगों को इधर से उधर दो मिनट में, जो हमारे अक्सर नात खानों की आदत होती है, कोई बैठा हो तो भाई नाराज ना हो। वो पहुंचे हुए ऊपर मुफ्ती साहब का बयान शुरू, आपने फरमाया कि भाई आप लोग पहुंचे हुए थे सातवें आसमान पर, तो बराए मेहरबानी मेरा बयान सुनने के लिए ज़रा ज़मीन पर तशरीफ लें। तो हमारे सुन्नियों का ये मामला है, हमारे लड़के चर्स पिएं, मवाली हों, नमाज पढ़े ना पढ़ें, पूरी रात नातियां महफिल में बैठें, फजर का वक्त आए तो घर में चले जाएं, जमात छोड़ दें, नमाज फ़र्ज तर्क कर दें, जमात वाजिब नमाज फ़र्ज वो फिक्र नहीं है, पूरी रात नात खानी में बैठें और यकीन क्या दिलाया जाए, तुम सरकार की मोहब्बत में आए हो, जो सरकार की मोहब्बत में आता है सरकार उसे प्यार से देखते हैं, और जिसे सरकार प्यार से देखें क्या वो जहन्नम में जाएगा? सामने कहते हैं नहीं नहीं, तो बस हमने तुम्हें जन्नत तक पहुंचा दिया शॉर्टकट के जरिए। ये खामखा तालीम हासिल कर रहे हैं, ये नमाज पढ़ रहे हैं, ये रोजा रख रहे हैं, ये गुनाह से बच रहे हैं, ये बेचारों को तो पता नहीं। नात खान के पास एक अजीम शॉर्टकट, एक मिनट में आपको सीधा जन्नत का रास्ता दिखाकर फरिश्ते भी कहेंगे कहां गया वो नात खान के दामन में वो छुपकर सीधा जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पर वहां बैठ के हूरों के साथ चाय पी रहा है। दो मिनट में भाई इस ख्वाब की दुनिया से बाहर निकल आए। आप और मुझसे बड़े सहाबाए किराम आशिक रसूल थे, उनकी कोई एक मिसाल ऐसी बताएं कि उन्होंने नबी करीम के फरमान सुनने के बाद एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला और उन्होंने ये अर्ज किया हो माज़ल्ला कि आपका बनाया हुआ मायार ठीक है या आप अपने पास रखें, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपकी मोहब्बत हमें जन्नत तक पहुंचाएगी, लिहाजा इन तकल्लुफात की जरूरत नहीं, हम वैसे जन्नत में पहुंच जाएंगे। है कोई सहाबी ऐसा? नहीं। वो इश्क में कामिल व अकमल थे, तो किस वजह से थे कि उन्होंने नबी करीम की इताअत की। आज हमारे सुन्नी नारा लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। फिर एक दूसरे को देखते हैं कैसा लगा नारा, उसे कहते हैं वाह क्या नारा लगाया तुमने यार, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गई। अच्छा भाई कर ले तेज, अब ये नारा भी लगा कि गुलामी रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, क्योंकि सरकार ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ मुझे छोटी करो और यहूदियों की सूरत मत बनो। ये नारा लगा गुलामी रसूल में बाकायदा इल्म दीन सीखना भी कबूल है, कि आपके नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अपने घर वालों को नेकी का हुक्म दें, बुराई से रोकें, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्कन नहनु नरज़ुकुक, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे और खुद भी उस पर साबित कदम रहे, हम तुमसे रिज्क का सवाल नहीं करते, रिज्क तो हम तुम्हें अता फरमाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अन्फुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, वो मैंने आयत पहले भी आपको सुना। तो करें अपने घर वालों की इसलाह, बीवी पड़ी फजर में खर्राटे ले रही है, शर्म हया नहीं है कि बीवी को उठाओ, जवान बेटा पड़ा सो रहा है, ये नहीं कि लात मार के उठाए कमबख्त उठ। हाँ अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान कर दे जो फजर की नमाज बाजमात अदा करेगा उसको 5000 रुपए मिलेंगे, यही अब्बा होगा
यही थका हारा बेटा, यही जुल्फों की असीर बनाने वाली लैला। फिर इस मजनून को और सब्बा को देखें आप, लात मार के ना उठाए बेटे को, कमबख्त उठ, 5,000 का मामला है, 5 तेरे 5 मेरे, 5 छोटे बेटे के 15,000 रुपए रोज, एक नमाज के, फिर 5 नमाज, फिर महीने की कैलकुलेशन करके अब्बा कह लो अपने तो वारे न्यारे हो गए। तो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये दुनियादार किस्म के लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह ये नारा लगाएं कि गुलाम ये रसूल में हर गुनाह छोड़ना भी कबूल है, क्योंकि मेरी वालिदा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ात की खातिर कभी किसी से इंतकाम नहीं लेते थे, लेकिन जब कोई अगर अल्लाह की नाफरमानी करता तो सरकार उससे इंतकाम लेते थे। इंतकाम का मतलब उस पर सजा जारी करते थे, इजहार नाराजगी फरमाते थे। अगर आप ये समझते हैं कि नात खानी में बैठने के बाद मैं नमाजें कजा करूं, मैं लड़कीबाजी करूं, मैं सेक्स चैट करूं, मैं पोर्न वेबसाइट के विजिट करूं, मैं गंदी हरकतों में मुलव्वस रहूं और सरकार मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देखें, तो ये आपकी खाम ख्याली है। नाफरमानी और मोहब्बत रसूल जमा हो सकती है, इसका इनकार नहीं है। शेख अब्दुल मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नाफरमान अपने दिल में मोहब्बत रसूल रखे ये मुमकिन है, लेकिन फरमाया वो मोहब्बत रसूल में नाकिस है। इसलिए कि मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है, महबूब का तकाजा ये है कि महबूब के कहे पर चले। लोग तो अपने महबूब के लिए उस्तादों को छोड़ देते हैं, लोग तो अपने महबूब के लिए अकेडमियों को छोड़ देते हैं, लोग तो अपने महबूब के लिए उस्तादों से बदतमीजी के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मोहब्बत का तकाजा है, ऐसा होना चाहिए मोहब्बत, कामिल मोहब्बत, पक्की मोहब्बत। ये औरत की मोहब्बत में इंसान सब कुछ कुर्बान कर दे, ये है कामिल मोहब्बत। बस मैं कहता हूँ कि इसका इसकी मिसल नहीं कह रहा हूँ, ऐसी मोहब्बत हमारी होनी चाहिए कि नबी करीम की मोहब्बत में बाप नाराज हो, माँ नाराज हो, दोस्त नाराज हो जाए, कोई भी नाराज हो, जब मेरे नबी ने फरमा दिया तो मैं नबी का कहना मानूंगा, सबके नाराजगी मोल लूंगा, ये है मोहब्बत। यहाँ तो नफ्स शैतान ही इतना गालिब है, अल्लाह नाराज हो, रसूल नाराज हो, नफ्स शैतान नाराज ना हो, ये रविश सही नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आइए अलहक स्कॉलर्स एकेडमी आपको दावत देती है, यहाँ पर आकर कुरान सुने, दीन सीखें, अकायद की इस्लाह करें, तज़किया नफ्स करें, किताब और हिकमत सीखें, आप खुद भी सीखें, उम्र के किस भी हिस्से में हो। मैं अपने बुजुर्गों से अर्ज करता हूँ, आईने में अपने सफेद बालों को देखकर ये सोचना कि अब तो उम्र गुजर गई छोड़ दो, नहीं। एक बुजुर्ग के पास एक बूढ़ा शख्स आया, कहने लगा मैं तौबा करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि बहुत देर से आए। उसने कहा हुजूर बहुत जल्दी आ गया हूँ क्योंकि मौत से पहले आया हूँ। तो ये ना सोचिए कि जी हमने तो पूरी जिंदगी गुजार दी अब क्या इल्म सीखे, नहीं। अगर आप इस तरह चले गए तो हो सकता है जवानी में की गई गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़े। सफेद बालों का मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी जबान से जवानी में कलिमा कुफर निकला था तो मुआफ कर दिया जाएगा। आप अगर नमाजें कजा करते रहे थे तो सिर्फ आपकी सफेद दाढ़ी को देखकर नमाजें कजा करने का गुना मुआफ कर दिया जाएगा। ये कहां से आपने नतीजा निकाला? आप भी सीखिए और अपने बच्चों को और खुसूसन बेटियों को यहां जरूर दाखिला करवाएं, इल्म दीन सीखें और पक्के सुन्नी बने, पक्के मुसलमान बने कि जो अपने मजहब को बयान करना जानता हो, मजहब का दिफा करना जानता हो दलाइल के साथ, फिर मुजाहिदीन पैदा होंगे।